अभी फिलहाल हम अपने घर पे हैं और आज होलिका दहन होगा हमारे बुकटा गांव में। और देखिए भैया लोग सब लोग अंकल जी भी रेडी हैं और अंकल जी का इशारा बताओ। और आज होलिका दहन हो रहा है क्योंकि होली तो परसों है, एक दिन और एक दिन पहले ही, मतलब लगभग एक दिन बाद ही होली है, लेकिन आज कल मंगलवार होने के कारण आज होलिका दहन होगा। अभी फिलहाल सब लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं और इकट्ठा होके अभी निकलेंगे और होलिका दहन होगा। और आगे यहीं पे हम दिखाए थे दूर से, लेकिन आज करीब से दिखाएंगे कैसे क्या क्या वहाँ पे प्रोग्राम होता है। वैसे तो बहुत रीति रिवाज से होलिका दहन होता है, लेकिन जो हो पाएगा आज वो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए होली का एक उद्घाटन हो चुका है गाली से, इसको हम बीप कर देंगे, लेकिन देखिए आप लोग गाली शुरू हो गया है। विद्यानंद भाई हमारे आ गए हैं तीसरी उसी लेके। हमारे विद्यानंद भाई अभी आ चुके हैं और इनके हाथ में देख के आपको लग रहा होगा क्या है, ये है तीसी, जव है, जव है, अभी तीसी नहीं है इनके पास। दो चीज़ प्रमुख उसमें भुने जाती हैं जब अग्नि प्रवाहित हो जाती है, होलिका दहन हो जाता है, उसमें तीसी और जव को भून के अपने घर पर ले जाया जाता है, वो शुभ माना जाता है। और सुबह सुबह उसकी राखी भी, होलिका दहन के बाद राखी भी ले जाया जाती है। अभी फिलहाल देखी होंगी आप लोग, हमारे गांव की बुआ जी हैं, वो थोड़े से गुस्सा गई हैं, गाली वाली दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उनको चिढ़ा दिए। क्यों भाई, एकदम नाम नहीं रिवील करेंगे, वो तो जानते हैं कौन है। रिवील कर दिए तो 100 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आएगा तो गड़बड़ा जाए, बोल रही है 100 नंबर बुलाएंगे। अब उनको नहीं पता है 100 नंबर 112 हो गया है, लेकिन आप लोग भी जान लीजिए इसी वीडियो के माध्यम से, अब 100 नंबर 112 हो गया। और अभी चलते हैं और होलिका दहन का देखते हैं कैसे क्या होता है सिस्टम। यहाँ से पहले हट जाए, गाली दे रही है। ये देख सकते हैं सब लोग जुटे हैं, एकत्रित हो गए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सब कुछ चल रहा है और यहाँ पे सम्मत भैया हैं, थोड़ी सी लाइट जल रही होगी, देख रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारे उमेश भैया, अभी फिलहाल देख सकते हैं हम लोग अंधेरे में फ्लैश जला किसी तरह वीडियो बना रहे हैं। गरीब और गरीब वाला फ्लैश नहीं है, आईफोन का फ्लैश है, आपको दिखा दें का फ्लैश है। और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, पूरा सम्मत जी का होलिका दहन होगा। चलिए चलते हैं अंधेरे में, एक वॉइस आवाज को सुनिएगा, महसूस करिएगा जब तक दहन नहीं हो जाएगा बंद। देख सकते हैं ये है सम्मत मैया और ये लकड़ी का पूरा, देख सकते हैं पूरा सब कुछ लगाया गया है पूरा, और इसी में प्रवाहित होगा। देखिए पूरा रख रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो लोग अभी आ चुके हैं, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे बहुत सही, हाँ ये सब लोग उपस्थित हैं और यहाँ पे पूरा रखा जा रहा है अभी जलाने के लिए। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे एकत्रित होके, बहुत ही भव्य यहाँ पे देखिए सम्मत जी को लगाया गया है, पूरा विधि विधान पूरा पुअर और लगे। और ये देखिए यहाँ पे अग्नि प्रवाहित हो गए भूतान। अग्नि प्रवाहित हो चुकी है होलिका दहन। बहुत पूरा अग्नि प्रवाहित हो चुका है, बुताने की कोशिश कर रहे थे दूसरी चरण में होगी, लेकिन हो गया सब कुछ। आओ वहीं खड़ा होगा। और देखिए राममोहन भैया जो हमारे बड़े भैया हैं, और सब लोग यहाँ पे हैं रेडी। और होलिका दहन हो चुका है, अग्नि प्रवाहित और होलिका से शुरू। और ये देख रहे हैं कितनी खतरनाक लपटे हैं, मोबाइल पूरा हीट हो जा रहा है इस लपट से इतना दूर होने के बाद भी। अभी होली है, देख सकते हैं कितने खतरनाक होलिका दहन, बहुत सही।
होलिका दहन हो ही रहा है, उधर भी तो जला रहे हैं। कितना होलिका दहन होगा, कई प्रकार से कई जगह पे। कुछ इस प्रकार से जलाया जाता है जौ और तीसी को, देख सकते हैं आग में, और इसको भून के उसको घर ले आया जाता है। और सारी टीम जा चुकी है, अब हम लोग भी चलते हैं। हम लोग होलिका दहन हो गया और एक डेढ़ घंटा हो गया, और यहाँ पे पुलिस आ गई थी। पुलिस इसलिए आ गई थी, कुछ अननोन लोग थे और वो सब पता नहीं कहाँ के थे, दूसरे उधर गांव के दूसरे साइड के लोग थे, वो सब आए थे और वो सब चिढ़ा उड़ा के चले गए फुगा को जो गाली दे रही थी। उनकी गलती नहीं थी, अब क्या करें, उनको परेशान कर दिए सब उधर, क्या नाम, उस साइड के, अनदर साइड के, हम लोग के इधर के एरिया के नहीं थे कोई भी लोग, सब बाहरी थे। तो वो परेशान किए तो पुलिस वाली पुलिस को बुला दी थी। सौ नंबर आया था, थोड़ा सा सब लोग में अफरा तफरी मच गया, लेकिन सब मामला शांत हो गया। तो यही रहा आज का होलिका दहन का, कहीं पे भी पुलिस नहीं आती, पुलिस यहीं पे आती है, भाग चला। तू ही छिकला है, हम जानते हैं। गोलू भाई हैं, ये चिकन है। हम अलग से फोटो दिखा दे, फोटो लगा दे साइड में, फोटो लगा दे अलग से।